टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। दोस्त स्वागत है आपका स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। दोस्त देख सकते हैं आज की ये न्यूज है, आईटीआई पॉलिटेक्निक छात्र अब मेडिकल में भी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। कोरोना से तीसरी लहर से निपटने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। भाई ये हेडलाइंस थी न्यूज की। तो दोस्तों पूरी न्यूज देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाराणसी वरिष्ठ संवाददाता, तो चलिए, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को औद्योगिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक कर कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने का रूपरेखा तय की। डीएम ने राजकीय एवं निजी आईटीआई, राजकीय पॉलिटेक्निक, आरसीटी एवं कौशल विकास मिशन के छात्र छात्राओं का ब्यौरा मांगा। इन छात्र छात्राओं को मेडिकल सेवा से जोड़ा जाएगा, इसके लिए 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, 3 माह का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्चुअल बैठक में डीएम ने कहा कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस्ड, क्रिटिकल केयर, ठीक है, होम हेल्थ एंड मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी असिस्टेंट तथा फ्लेबोटॉमिस्ट में इच्छुक अभ्यर्थी को 1 माह की ट्रेनिंग और 2 माह से की ऑन जॉब ट्रेनिंग पीएचसी, सीएचसी व अन्य सरकारी अस्पतालों में दी जाएगी। प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें क्या, हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कम से कम डीएम ने प्रशिक्षण के लिए कम से कम हाईस्कूल पास तथा 18 से 35 वर्ष के बीच अभ्यर्थी का चयन कर 2 दिनों में सूची मांगी है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक अभिलेखों सहित विकास भवन के प्रथम तल पर स्थित कौशल विकास मिशन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अभिषेक सिंह, जिला प्रबंधक, कौशल विकास मिशन के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर यहां पर आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस सभी आज की न्यूज़ थी, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया 3 महीने तक बारीकियां बताई जाएगी चुने गए छात्रों को, 3 महीने तक बारीकियां बताई जाएगी और 2 माह ऑन जॉब ट्रेनिंग पीएचसी सीएचसी में दी जाएगी, ठीक है। ये थी, और यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्यकर्मी भी होंगे प्रशिक्षित। स्वास्थ्यकर्मी भी होंगे क्या, प्रशिक्षित। जिलाधिकारी ने कहा कि महामारी में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए सभी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए सीएचसी व पीएचसी में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को ऑन जॉब ट्रेनिंग देकर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक करने, आवश्यक उपकरणों की खरीद, ऑक्सीजन सुविधा, एम्बुलेंस सेवा सहित सभी कार्य प्रक्रिया में हैं, ठीक है। दोस्तों ये आज की न्यूज़ थी, ताज़ी न्यूज़ जो कि BTUP यानी कि पॉलिटेक्निक और ITI छात्रों के लिए भी थी। तो दोस्तों अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही न्यूज़ में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बाय।